नमस्कार दोस्तों, हमारी YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आप लोगों ने अब तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पर क्लिक करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें आपको आसानी से नोटिफिकेशन द्वारा मिल जाए। दोस्तों, आज की वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है। आज हम आपको बताएंगे स्टार्टर की प्रॉब्लम होता क्या है कि स्टार्टर गर्म हो जाता है और हल्की हल्की धुआं स्टार्टर के अंदर से आने लगती है। तो ये क्यों होता है, क्या कारण होते हैं, मेन कारण क्या है, तो ये सभी मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। तो वीडियो को ध्यानपूर्वक लास्ट तक देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, ये जो प्रॉब्लम है, स्टार्टर गर्म हो जाता है मोटर के चलने की कुछ देर पश्चात, आधा घंटा बाद या एक घंटा बाद या दो घंटे बाद, ठीक है, या 15-20 मिनट में। तो उसका जो मेन पहला जो कारण होता है, मेन कारण जो वो होता है दोस्तों, स्टार्टर की पत्तियों में कार्बन आ जाता है और स्टार्टर की पत्तियां प्रॉपर से चिपक नहीं पाती। कभी चिपकती हैं और कभी हटती हैं, कभी चिपकती हैं, मतलब स्पार्किंग करती रहती हैं, ठीक है। जो स्टार्टर की जो पत्तियां होती हैं उनमें प्रॉब्लम होती है। देखिए, समझाता हूं थोड़ा सा। ये इनर साइड है और ये साइड है जो आउटर है। ये फेस 1, 2, 3 है इनर साइड से, जहां से हम कटआउट से जोड़ते हैं, ये आउटर साइड है। तो इनके जस्ट ऊपर यहां पे पत्तियां होती हैं, ठीक है, ये पत्तियां होती हैं 3 इस तरह से। अब जैसे ही क्वाइल में करंट आता है, क्वाइल में, स्टार्टर वाली क्वाइल में, तो पत्ती आपस में चिपक जाती है, ये वाली आपस में जुड़ जाती है। अगर इनमें कार्बन आ जाता है, इन तीनों पत्तियों में कार्बन आते हैं, तो क्या होता है कि ये अच्छे से चिपकती नहीं है और बार बार स्पार्किंग करती रहती है। और बार बार स्पार्किंग करती रहती हैं तो पत्तियां जो होती है कॉपर की होती है, और कॉपर की जो पत्तियां हैं बहुत ही जल्दी हीट होती है और बहुत ही ज्यादा देर तक हीट रहती है, ठीक है। तो दिक्कत यहां आती है, और ये पत्तियां बहुत ज्यादा हीट होती हैं तो इनकी गर्मी जो होती है बढ़ती जाती है। वो इसलिए बढ़ती जाती है कि बार बार स्पार्किंग करती है, और स्पार्किंग करने से इसमें गर्मी पैदा होती है, पत्तियां बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती हैं, और फिर क्या होता है कि ऑयल जो होता है, फिर धुआं बनने लगती है स्टार्टर से बाहर, वो धुआं आने लगती है। ऐसा लगता है मान लो कुछ जल रहा हो स्टार्टर के अंदर, तो ये पत्तियों की प्रॉब्लम है। तो पहला तो ये हुआ पत्ती, ठीक है। अगर पत्तियों में कार्बन आया है, पत्तियाँ खराब हो गई हैं, तो आप अपनी पत्तियों को खोल ले, स्टार्टर की पत्तियों को, उनको घिस कर, दोबारा से घिस कर उनको बैठा दें, ठीक है। अगर बहुत ज़्यादा जल गई, उस कंडीशन में आपको बदलना होगा। पत्तियों को घिस कर कैसे लगाते हैं और स्टार्टर को कैसे रिपेयर करते हैं, नई पत्तियाँ कैसे बदलते हैं, उस पर हमने ऑलरेडी वीडियो डाल रखा है, वो वीडियो आप देख सकते हैं चैनल की प्लेलिस्ट में जाके या चैनल की वीडियोस में जाके। जो दूसरा कारण है दोस्तों, वो है स्टार्टर का जो है वो कम एम्पियर का अगर है तो फिर वो गर्म होगा, ठीक है। मान लीजिए आपने स्टार्टर ले रखा है 10 एम्पियर का और मोटर चला रहे हैं 15 एम्पियर की, ठीक है, तो ये प्रॉब्लम होगी। बहुत ज़्यादा हीटर हीट होगा, धुआं देगा, क्योंकि उनकी जो पत्तियां होती हैं, पत्तियां जो एम्पियर की होती है, बाकी तो उसमें कुछ चेंज नहीं होता स्टार्टर में। ये जो पत्तियां होती वो होती हैं 10 एम्पियर की, 15 एम्पियर की, 20 एम्पियर की, ऐसे होती है ये पत्तियां। तो ये पत्तियां ही मेन चीज होती हैं। तो आपको बड़ा फिर स्टार्टर लेना पड़ेगा ज्यादा एम्पियर का, ठीक है। एक तो ये कारण हो गया। एक तीसरा कारण होता है दोस्तों, स्टार्टर में ऑयल की कमी, ऑयल, ठीक है। कई बार ध्यान नहीं देते, पत्तियां अच्छे से ऑयल में डूब नहीं पाती हैं, जिसके कारण वे बहुत ज्यादा हीट होती है, जलती है, स्पार्किंग ज्यादा होती है। तो ये कारण है कि फिर धुआं सा निकलने लगता है स्टार्टर के अंदर से। चौथा है दोस्तों, स्टार्टर के ऑयल के अंदर अगर किसी भी दिक्कत से पानी आ जाए,
या उसका जो ऑयल है उसमें कचरा आ जाए, खराब हो जाए। देखिए कई बार क्या होता है कि ज़्यादातर तो स्टार्टर को अंदर ही लगाते हैं, तो आप कहेंगे कि पानी कैसे आ गया तेल में, तो कई बार बारिश होती है और बाहर ऐसे ही लगा होता है कई लोगों की मोटर पे स्टार्टर, और ऐसे ही लगा होता है तो कई कारणों उसमें थोड़े बहुत पानी चला जाता है, और जैसे ही पानी जाता है उस तेल में मिक्स हो जाता है। अब तेल पत्तियों के अंदर भी आता रहता है, साथ में वो पानी भी आता रहता है, तो जब जब पानी आता है पत्तियों के अंदर ज़्यादा स्पार्किंग होती है और धुएं जैसा निकलने लगता है, तो आपको धुआं धुआं सा उसमें दिखेगा। तो उस पानी के कारण भी स्टार्टर जो है वो हीट होता है, स्पार्किंग बढ़ जाती है, तो ये कारण होता है। ऑयल अगर खराब हो जाए, पुराना हो जाए, उसमें कचरा आ जाए, तो ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है। तो ये ऑयल की प्रॉब्लम है, ऑयल में वाटर आ जाए तो ठीक है। अगली प्रॉब्लम हो सकती है दोस्तों, मोटर का जो जोड़ है, मोटर की जो केबल है ना, मेन केबल, उसके अंदर जोड़ बनता है, बीच में जोड़ बनता है। अगर वो जोड़ पानी में डूब जाए और वो जोड़ लीकेज हो जाए तो होगा क्या, अर्थिंग बन जाएगी, और उस अर्थिंग की वजह से फिर जो है एम्पियर बढ़ेंगे, और एम्पियर बढ़ने के कारण स्टार्टर ज़्यादा हीट होता है। सातवां आपको बता रहे हैं, सॉरी छठा, ये पांचवा था। कई बार कम वोल्टेज आते हैं, कम वोल्टेज के कारण, ठीक है। अगर मोटर में कम वोल्टेज आएंगे तो क्या होगा, मोटर पूरे राउंड नहीं लेगी और एम्पियर ज्यादा खाएगी। कम वोल्टेज में मोटर ज्यादा एम्पियर लेती है, तो ये चीज हमेशा ध्यान रखिए। इस एम्पियर ज्यादा लेने के कारण स्टार्टर की पत्तियां ज्यादा हीट होगी और ज्यादा गर्म होगी, ठीक है, और धुआं भी देने लग सकता है उस कंडीशन में। अब सातवां आपको बता रहे हैं दोस्तों, कई बार क्या होता है, मोटर पंप, मोटर जो होती है वो कई बार उसकी बुशिंग खराब हो जाती है, और या फिर पंप जो है वो उसके बुशिंग खराब हो जाते हैं, एम्पेलर घिसने लगते हैं, उस कंडीशन में बहुत ज़्यादा एम्पियर मोटर लेती है, पानी तो देती रहती है लेकिन एम्पियर बहुत ज़्यादा खाती है। उस कंडीशन में प्रॉब्लम होती है कि स्टार्टर गर्म हो जाता है, हीट हो जाती है स्टार्टर की सारी पत्तियाँ, ठीक है, तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। आठवां कारण हो सकता है दोस्तों, मोटर के अंदर, अगर किसी मोटर के अंदर आपने रिवाइंड करवाया है, रिवाइंडिंग के वक्त उसमें तार कम कर देते हैं, ठीक है, तो ये टर्न की प्रॉब्लम हो सकती है। कॉइल में अगर टर्न कम किए गए तो ये प्रॉब्लम फिर मोटर के अंदर आती है कि एम्पियर ज़्यादा लेती है और एम्पियर बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। मान लीजिए पहले आपकी मोटर जो है वो 10 एम्पियर पे चल रही थी, 7.5 की मोटर है आपकी, ठीक है, और 10 एम्पियर ले रही थी, फिर वो आपका स्टार्टर जो है नॉर्मली 10 ही एम्पियर का है मोटर के हिसाब से ही है, और बाद में फिर वो 20 एम्पियर लेने लग जाए, वही मोटर 20 एम्पियर लेने लग जाए तार कम करने के बाद, तो आपका जो स्टार्टर है वो 10 एम्पियर का है और आपकी मोटर जो है 20 एम्पियर खा रही है। इस वक्त उसकी पत्तियों पर लोड पड़ता है और लोड पड़ने के कारण स्टार्टर जो है वो बहुत ज़्यादा हीट होता है और धुआं देने लग जाता है, तो ये कारण है, ठीक है। और दोस्तों मोटर में जो भी एम्पियर बढ़ाएगी मोटर, तो आपका स्टार्टर की पत्तियां जो हो गर्म होगी, चाहे फिर किसी भी कारण हो, चाहे फिर टर्न कम हो मोटर के अंदर, मोटर की कॉइलों में टर्न कम डाले गए हो, मोटर के बुशिंग खराब हो, या पंप जाम चल रहा हो, मोटर रेत के अंदर चल रही हो, या मोटर शॉर्ट हो चुकी हो, अर्थिंग बन रही हो मोटर में, या कोई भी कारण से अगर मोटर का एम्पियर बढ़ता है तो स्टार्टर की पत्तियों पर डायरेक्ट सीधा का सीधा लोड पड़ता है, और लोड पड़ने के कारण वो पत्तियाँ हीट होती हैं
और हीट होने के कारण फिर धुआं देने लगता है स्टार्टर, तो ये कारण हो सकते हैं। जो सबसे मेन कारण है कॉमनली वो ये है कि पत्तियों में कार्बन आ जाता है, पत्तियां जल जाती हैं, उस कंडीशन में धुआं आने लगता है, कभी टच होती हैं, कभी हटती हैं, कभी टच होती हैं, उस कंडीशन में ये देखा गया है। बाकी चीज़ें अगर ठीक हैं तो ठीक है, अगर पत्तियां बिल्कुल ठीक हैं, तेल है, स्टार्टर की कंडीशन पूरी तरह से ठीक है, तो बाकी कारण हो सकते हैं, मोटर के कारण हो सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये कुछ कारण हो सकते हैं जो कि मैंने मोटे मोटे आपको बताए हैं सीधे सीधे भाषा में। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक करिए, दोस्तों में शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। फिर मिलते हैं किसी अन्य वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।